हेलो एवरीवन टुडे वी आर हेयर फॉर द डिस्कशन ऑन सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड वर्कप्लेस ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है दोनों ही रूप से पहला रूप कि विधि के छात्र होने के कारण से एज आर अ स्टूडेंट ऑफ लॉ वी ऑल आर students ऑफ लॉ सो वी must know दैट व्हाट दिस एक्ट is ऑल अबाउट एंड what this act says Because this act has its own relevance and importance attached to it. The reason being that this act was not the original piece of legislation after the independence or freedom, but because of the passage of time, as per the demand, the requisites of society, which led to the enactment of this act, which is Sexual Harassment at Workplace Act 2013. And if I say the Full name of act the sexual harassment of women at workplace prevention prohibition and redressal act 2013. ki kuch hui thi jiske is act ko As we say that law reflects the society, so whatever happens in society, law is the reflection of it, and so is this act the sexual harassment. अब ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि ये आपके यूपी जुडिशियल एग्जाम में आने वाला है अब इस एक्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो आपके जानने के लिए उतना ही जरूरी हो जाता है प्रिलिमिनरी पर्पज से जो कि है आपके फैक्चुअल पॉइंट कितने दिन में क्या होगा वॉट इज दाइम लिमिट टाइम लिमिट के क्वेश्चन आपके इस एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है कितने समय में क्या होगा कंप्लेन कहा फाइल होगी कब फाइल होगी कौन फाइल कर सकता है किसके अगेंस्ट कर सकता है ये कुछ ऐसे प्रश्न है इस एक्ट के जो जानने बहुत जरूरी है एंड विद रीडिंग ऑफ दिस एक्ट कम टू अर कंक्लूजन वे विल बी है कंप्लीट चार्ट अ डायग्राम इन अवर माइंड दट वॉट दिस एक्ट इज ऑल अबाउट तो आप इसको बिल्कुल शांति और विनम्रता से सुने और समझें कि यह एक्ट क्या कह रहा है इस एक्ट को शुरुआत करने से पहले इस एक्ट की शुरुआत करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगी दट द सेक्शुअल हेरसमेंट

अगर रोकने और मना करने पर भी वो एक्ट घटित होता है तो ये एक्ट उसका रिड्रेसल भी रखता है सो प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। इसकी एनफोर्समेंट डेट है नाइन्थ ऑफ डिसेंबर टू थाउजेंड एंड थर्टीन नाइन्थ डिसेंबर 2013। इस एक्ट को शुरू करने से पहले इस एक्ट की इंटेग्रिटीज में जाने से पहले मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि यह एक्ट कहां से आया अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं विच इज द ग्रंट नॉम ऑफ ऑल दी लॉज एंड विदाउट गोइंग इन टू कॉन्स्टिट्यूशन वी कैनॉट स्विच ऑन टू एनी लॉ दैट इज इट स्पेशलिटी ये इसकी खासियत है स्पेशलिटी है कि बिना कॉन्स्टिट्यूशन में जाए बिना हम किसी एक्ट को पढ़ नहीं सकते और इसकी स्पेशलिटी में हमारे पास एक ट्राइंगल है आर्टिकल फोर्टीन आर्टिकल ट्वेंटी वन एंड आर्टिकल नाइनटीन वन जी आर्टिकल फोर्टीन ट्वेंटी वन नाइनटीन वन जी विच इज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन ट्राइंगल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसे गोल्डन ट्राइंगल भी कहा जाता है आर्टिकल फोर्टीन नाइनटीन एंड ट्वेंटी वन इज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन ट्राइंगल ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल फोर्टीन जो कहता है राइट टू इक्वालिटी दैट इस्पेक्टिव ऑफ वेदर अ पर्सन इज अ मैन और वुमेन इज एंटाइटल टू राइट टू वर्क इज एंटाइटल टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज एट वर्क प्लेस और यही हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल में सोशलिस्ट प्रिंसिपल भी कहता है हम अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को थ्री सेगमेंट्स में पढ़ते हैं सोशलिस्ट गांधीयन एंड लिबरल तो अगर मैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स की बात करूं तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स में भी ये प्रिंसिपल है राइट टू वर्क राइट टू वर्क इन जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क जहां पे जस्ट और ह्यूमन कंडीशन हो राइट टू गेट इक्वल वेजेस न वॉट डस दिस जस्ट work ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क मीन इट you प्लेस वेयर जहां आप काम कर रहे हैं वहां ऐसा वातावरण या एनवायरमेंट हो जो आपके साथ फ्रेंडली हो फ्रेंडली का मतलब ये नहीं है कि चेयर आपसे हेलो कह रही है या टेबल आपसे हेलो कह रही है फ्रेंडली का मतलब है कि जिस भी वातावरण में आप काम कर रहे हैं वहां आपको किसी भी प्रकार की इनसेक्योरिटी महसूस ना हो किसी भी प्रकार की असुरक्षित महसूस ना हो कि हम असुरक्षित हैं सेफ नहीं है सिक्योर नहीं है स्पेशली फॉर अ वुमेन जब हम एक वुमेन की बात करते हैं तो जब वो किसी भी कार्यस्थल पर काम करने जाती हैं, किसी भी जगह पर काम करने जाती हैं, इट कैन बी एनी वर्क प्लेस एनी ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर एनी प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर जहां भी काम कर रही है वहां ये बात निश्चित रूप से इसको सुनिश्चित किया जाए कि वो जहां काम कर रही हैं वहां उनको सेफ हेल्दी और फ्रेंडली एनवायरमेंट मिले क्यों क्योंकि आर्टिकल 14 कह रहा है कि हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करते राइट टू इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 16 आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आपकी अपनी चॉइस है कि आप काम कर सकते हैं और साथ ही साथ नाइनटीन जी कहता हैज राइट टू प्रैक्टिस एनी ट्रेड ऑक्यूपेशन प्रोफेशन टॉप हम इसे ऐसे याद भी करते हैं कि कोई इंसान कैसा काम करे टॉप का काम करे एनी ट्रेड ऑक्यूपेशन प्रोफेशन नाइनटीन वन जी तीन चीजें हैं तो यानी कि हर इंसान की स्वतंत्रता है फ्रीडम है कि वो कोई भी काम कर सकता है जिस काम में करने की उसे रुचि हो इंटरेस्ट हो

जिस केस की गाइडलाइंस के बाद इस एक्ट को इस लॉ को एक रूप मिला कि सेक्सुअल हेरेसमेंट जैसा भी एक कॉज है हमारे सामाजिक तत्व में जिस पर एक लॉ बनाने की आवश्यकता है नीड है क्योंकि ऐसे केसेस देखे जा रहे हैं जहां वर्क प्लेस पर वुमेन के साथ हेरेसमेंट देखी जा रही हैं वुमेन के साथ हेरेसमेंट हो रही हैं इन वन और दी अदर वे उसके फैक्टर्स कोई भी हो सकते हैं factors can be any. factors can be promotion. factors can be that a woman cannot be a head. a woman cannot lead a team. a woman cannot be equal like of a man. the sexual harassment of women at workplace, prevention, prohibition and redressal, then there are total 30 sections total 30 sections in the act total 30 sections in the act if i talk about the extent and operation of this act then it extends to whole of india without any exception or limitation it extends to whole of india if i talk about the definition of aggrieved वुमेन 2a aggrieved woman 2a aggrieved woman अगर आपको याद हो तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी टू ए एग्रीव पर्सन है बट एग्रीव पर्सन कहा वहां मतलब वुमन है क्योंकि वो एक्ट वुमन के लिए बना है सो वन पार्टी हैज टू बी अ वुमन अब आप कहेंगे वन पार्टी हैज टू बी वुमन तो दूसरी पार्टी भी तो वुमेन हो सकती थी तो इसके साथ ही दूसरा आंसर भी रेडी है रिस्पॉन्डेंट में लिखा है एनी मैन मेल तो इसलिए वहां परिभाषा बिल्कुल क्लियर है ऐसी ही परिभाषा यहां क्लियर है जो कह रहा है टू ए एग्रीव वुमेन Now, this woman can be of any age. Any age. Any workplace. That workplace can be an organized sector. It can be an unorganized sector. It can be a private institution it can be government institution it can be private institution government institution or even any domestic place it can be any domestic workplace where a woman is acting as a worker so aggrieved woman can be a woman of any age any workplace Who has been sexually harassed? Sexually harassed. Sexually harassed. Sexual harassment. Victim. Sexual harassment koham section two N me Sexual harassment two N. एन अगर सेक्शुअल हेरेसमेंट की डेफिनेशन देखें विच इज गिवन इन टू एन टू एन एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट Demand for sexual favors. Demand for sexual favors. Sexually colored remarks. Sexually colored remarks. Showing pornography. Showing pornography. Or any. Unwelcoming verbal nonverbal conduct of sexual nature of sexual nature when you are coming in physical contact with a woman demanding for sexual favors. Giving her sexually colored remarks. There is a way to say anything. Sexually colored remarks. You look different. You look nice. Your personality is very positive. Your demeanor is very positive. your personality is very bold are some positive remarks which you can give to a woman but saying such colored remarks which are sexually oriented to a woman which is somewhere is related to her sex of being a woman is not acceptable where somewhere by your comments, where somewhere by your statements, she can feel lesser. Where she can feel that she has been derogized. She can feel little in front of you. Where she can feel uncomfortable that being a woman, because of her sex of being a woman, she is getting such remarks you are trying to show her the pornography you are making any verbal or non verbal conduct you are saying something not saying something by your action by your conduct you are making such gestures which are giving the apprehension which is creating in her mind that you are doing something which is relating to the sexual nature or of the sexual conduct अगर आप इनमें से कुछ भी ऐसा करते हैं तो हम ये मानते हैं दैट द सेक्सुअल हैरेसमेंट हैज बीन डन विद द वुमेन सेक्सुअल हैरेसमेंट हैज बीन डन विद द वुमेन और अगर ऐसी कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है ऐसा कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस आता है तो उसे हम इस सेक्सुअल हैरेसमेंट के एक्ट में सेक्शन नाइन सेक्शन नाइन में कंप्लेंट करते हैं सेक्शन नाइन कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे ही सेक्सुअल हैरेसमेंट होगा आप सेक्शन नाइन में कंप्लेंट कर सकते हैं यहां पे रिस्पोंडेंट कौन होगा जिसके अगेंस्ट वो पिटिशन वो केस फाइल होगा वो रिस्पोंडेंट व्यक्ति कोई भी हो सकता है एनी पर्सन टू एग्रीव पर्सन द द्रीव्ड वुमेन हु इज बीन सेक्सुअली हैरेस्ड अंडर टू एन कैन फाइल अ कंप्लेन्ट अगेंस्ट दी रिस्पोंडेंट अंडर टू एम करेक्ट एक स्टेप पीछे टू एन में है सेक्शुअल हेरसमेंट और टू एम में है रिस्पोंडेंट एम एंड एन और फाइल कहां करेंगे कंप्लेन सेक्शन नाइन सेक्शन नाइन में आपकी कंप्लेन्ट फाइल होगी अब आपकी कंप्लेंट सेक्शन नाइन के मुताबिक हो कहां सकती है सेक्शन नाइन कोई भी एग्रीव वुमेन एनी एग्रीव वुमेन जिसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है कैन फाइल अ कंप्लेन्ट ईदर टू दी इंटरनल कमिटी either to the internal committee or to the local committee either to the internal committee or the local committee within within 3 months of incident within 3 months of incident जिस दिन वो घटना घटी उससे तीन महीने के अंतर्गत विद इन थ्री of ऑफ द डेट ऑफ इंसिडेंट यू हैव टू फाइल द रिपोर्ट to टू द इंटरनल कमेटी और टू local लोकल कमेटी जब विशाखा वर्षे स्टेट ऑफ राजस्थान का केस आया तो उसके बाद ये कहा गया कि हर सेक्टर हर इंस्टीट्यूशन में वे दे आर इंप्लॉइंग मोर देन टेन पीपल वहां एक इंटरनल कमिटी होगी यानि कि इंटरनल कमिटी का गठन कहां हो सकता है वेर टेन और मोर पीपल आर एम्प्लॉइड टेन और मोर आर इंप्लॉइड लेकिन अगर 10 या 10 से ज्यादा लोग उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन या वर्क प्लेस पर नहीं है तो क्या इसका मतलब यह है कि वो कंप्लेंट फाइल नहीं हो सकती बिल्कुल नहीं वो कंप्लेंट फाइल होगी लोकल कमेटी में यानी कि जो सेक्टर जो वर्क प्लेस जहां पर 10 या 10 से ज्यादा लोग हैं वहां पहला चरण स्टेप इंटरनल कमेटी हो सकता है इंटरनल कमेटी अगर उस पर कोई भी सुचारू रूप से एक्शन नहीं लेती है यू कैन गो टू दी लोकल कमेटी लेकिन जहां पर 10 से कम लोग हैं जहां इंटरनल कमेटी गठित नहीं हुई है कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई है वहां आप डायरेक्टली लोकल कमेटी को अप्रोच कर सकते हैं यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू दोकल कमेटी अगर मैं इंटरनल कमेटी की बात करूं अगर मैं इंटरनल कमेटी की बात करूं तो इंटरनल कमेटी में देर विल बी वन प्रिसाइडिंग ऑफिसर हु शैल बी अ वुमेन Presiding officer who shall be a woman. Two members from social work who have experience in social work. Two employees from social work. And one member.

will be women one half of total will be women one half of the total will be women अगर मैं लोकल कमिटी की बात करूं in every district इन एवरी डिस्ट्रिक्ट देयर कैन बी अ लोकल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कॉन्स्टिट्यूटेड टू रिसीव द कंप्लेन रिलेटिंग टू सेक्शुअल हैरसमेंट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल एनी ब्लॉक तालुका तहसील जिसे आप और शब्दों से जानते हैं इन एवरी डिस्ट्रिक्ट लोकल कमिटी शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड टू लुक आफ्टर द केस ऑफ सेक्शुअल हेरेसमेंट अगर मैं उसकी कॉम्पोजिशन की बात करूं इट विल हैव वन चेयरपर्सन वन चेयरपर्सन हु शैल बी अ वुमन वन चेयरपर्सन Who shall be a woman? One member from the municipality. One member from the municipality. That also a woman. One member from the municipality. Two members from NGO two members from ngo or any organization in which one will be woman out of two one will be woman one will be woman one nominee of law background one nominee of law background. One nominee belonging to SC or ST or OBC. One nominee being belonging to scheduled caste or scheduled tribe or the other backward classes. अब उस डिस्ट्रिक्ट में जो भी महिला उस डिस्ट्रिक्ट तहसील तालुका वहां पर जो भी महिला जो भी वुमेन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट या सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को लीड कर रही है ऑलरेडी देख रही है वो उस कमेटी की एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगी वुमेन डेजिग्नेटेड एज woman designated as social welfare officer woman designated as social welfare officer shall be shall be ex officio member of the local committee ex officio member of the local committee एक्स एक्सोफिशियो मेंबर होंगी जो भी उस एरिया ब्लॉक की सोशल वेलफेयर ऑफिसर हैं ऑलरेडी वो उस कमेटी की एक्स एक्सोफिशियो मेंबर कहलाएंगी अगर मैं इंटरनल कमेटी के गठन की बात करूं वी रीड सेक्शन फोर अगर मैं लोकल कमेटी की बात करूं वी रीड सेक्शन सिक्स प्लस सेवन सेक्शन सिक्स एंड सेवन यानी कि यहां पर आपके वन प्लस टू प्लस वन कंपोज कर रहे हैं वन प्रिसाइडिंग ऑफिसर टू फ्रॉम द सोशल वर्क और एरिया और फील्ड एंड वन फ्रॉम द एनजीओ और एनी ऑर्गेनाइजेशन वन प्लस टू प्लस वन फोर वेट इज इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल इट इज वन प्लस वन प्लस टू प्लस वन प्लस वन सेक्शन सिक्स छ बन रहे हैं वन प्लस वन वन प्लस वन और दो बीच में एक चेयरपर्सन एक म्यूनिसिपैलिटी दो एनजीओ वन नॉमिनी एंड अनदर वन नॉमिनी वन प्लस वन प्लस टू प्लस वन प्लस वन इसको टू को हम एंड में भी लिख सकते थे लेकिन टू को इसलिए लिखा ताकि दो वन इधर आ सके और दो वन इधर आ सके और दो एनजीओ के आपको बीच में याद रहे कि एनजीओ से दो है बाकी सब वन 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 है और यहां पर भी देखिए दो ही सोशल वर्क से हैं यहां एनजीओ से एक है इंटरनल है तो एनजीओ में एक है लोकल है तो एनजीओ में दो है बाकी सब वन 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 यहां लोग थोड़े ज्यादा हैं क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल है यहां कम है क्योंकि इंटरनल कमेटी है इंटरनल कमेटी उस संस्था में उस ऑर्गेनाइजेशन में उस इंस्टीट्यूशन में जहां दस से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं इंप्लॉइड है तो एक इंटरनल कमेटी होनी मैंडेटरी है ऐसा कहा तो गया है कितनी प्रैक्टिकली फॉलो होती है ये हम सब जानते हैं ऑन पेपर्स हो सकता है हो लेकिन रियलिटी में कोई गठित कमेटी ना हो ऐसा संभव है लेकिन किसी भी इंस्टीट्यूशन में अगर महिलाएं काम कर रही हैं तो वहां इंटरनल कमेटी होनी चाहिए लोकल कमेटी वन प्लस वन टू प्लस वन प्लस वन दो यहां पर हम एनजीओ के लिए लिख रहे हैं ठीक है वन चेयरपर्सन वन फ्रॉम म्यूनिसपैलिटी टू फ्रॉम एनजीओ एंड टू नॉमिनीज वन नॉमिनी फ्रॉम लॉ बैकग्राउंड एंड वन नॉमिनी फ्रॉम एस सी एस टी ओबीसी कॉम्पोजिशन याद हो गया होगा अब इसकी एक खास बात अब खास बात यह है कि दोनों ही जगह चाहे वो इंटरनल कमेटी हो या फिर लोकल कमेटी हो आप पोजीशन होल्ड करेंगे तीन साल के लिए नॉट एक्सीडिंग थ्री इयर्स दोनों ही जगह नॉट एक्सीडिंग थ्री इयर्स इट मीन्स एनी पर्सन हु इज होल्डिंग द पोजिशन एज चेयरपर्सन मेंबर प्रिसाइडिंग ऑफिसर वो सब तीन साल के लिए पोजिशन होल्ड करेंगे थ्री इयर्स देखिए कितना थ्री है थ्री इयर्स तक पोजीशन होल्ड करेंगे थ्री मंथ्स तक ही आपको इंसिडेंट रिपोर्ट करनी है थ्री थ्री काफी है सेक्शन फोर इंटरनल सेक्शन सेवन लोकल कमेटी अब वापस आइए नाइन पर सेक्शन नाइन कह रहा था कि कोई भी एग्रीव वुमन एनी एग्रीव्ड वुमन कैन फाइल अ कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हेरसमेंट ईदर इन इंटरनल कमेटी और इन लोकल कमेटी विद इन थ्री मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इंसिडेंट महीने के अंतर्गत वो इस कंप्लेंट को फाइल कर सकती हैं और जहां पर कोई सीरियस इंसिडेंट है इन केस ऑफ सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स विद इन थ्री इंसिडेंट मान लीजिए कि वो इंसिडेंट कॉन्टिन्यूस है एक है कि तीन महीने के अंतर्गत आपको वो कंप्लेंट फाइल करनी है लेकिन अगर वो इंसिडेंट रिपीटेडली आपके साथ हो रहा है सो केस ऑफ रिपीटेंस

कंप्लेट कैन बी मेड इधर ओरल और रिटर्न ईदर ओरल और रिटर्न इफ द कंप्लेट गिवन बाई दुमेन इज नॉट इन रिटर्न फॉर्म अगर उन्होंने खुद रिटर्न फॉर्म में नहीं दी है तो जो भी कमेटी उस रिपोर्ट को उस कंप्लेंट को रिसीव कर रही है उसके चेयरपर्सन प्रिसाइडिंग ऑफिसर या कोई भी अन्य मेंबर पूरा एफर्ट लगाएंगे दे विल मेक श्योर एंड पुट एफर्ट्स कि उस कंप्लेंट को हम राइटिंग में लिख लें दे विल प्रोवाइड दी असिस्टेंस इट मींस इन ओरल कंप्लेंट असिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड टू दी वुमन असिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड टू दी वुमन वो कोई भी दे सकता है असिस्टेंस प्रिसाइडिंग ऑफिसर चेयरपर्सन एनी मेंबर एनी नॉमिनी दे विल डू द रीजनेबल असिस्टेंस टू वुमन अब ये कहा गया दैट विद इन थ्री मंथ्स द इंसिडेंट शुड बी रिपोर्टेड द इंसिडेंट शुड बी रिपोर्टेड बट अगर वुमेन के साथ कोई ऐसी सिचुएशन है कि वो उस समय के अंतर्गत उस अंतरकाल में ये रिपोर्ट फाइल नहीं कर सकती बिकॉज मे बी शी इज अंडर एनी काइंड ऑफ इंफ्लुएंस कुछ ऐसा सर्कमस्टांस एग्जिस्ट कर रहे हैं कि उन्हें रोका जा रहा है प्रिवेंट किया जा रहा है या वो किसी भी कारणवश उस कंप्लेंट को फाइल नहीं कर पा रही है तो ऐसी परिस्थिति में कमेटी उस टाइम लिमिट को एक्सटेंड कर सकती है कमिटी कैन एक्सटेंड दी टाइम लिमिट कमिटी कैन एक्सटेंड दी टाइम लिमिट जितना उन्हें ठीक लगे कमिटी कैन एक्सटेंड दी टाइम लिमिट बाय रिकॉर्डिंग रीजन इन राइटिंग आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजन इन राइटिंग टाइम भी एक्सटेंड कर देंगे लेकिन अगर वुमेन खुद नहीं आ सकती हैं इफ वुमेन कैन नॉट कम ऑल अलोन टू फाइल दिस कंप्लेंट, इफ वुमेन इज अनेबल टू कम एंड फाइल द कंप्लेंट, देन इन दैट सिनेरियो, एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ वुमेन एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ वुमेन कैन फाइल दिस कंप्लेंट एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ वुमन कैन फाइल दिस कंप्लेन्ट मे बी बिकॉज ऑफ हर फिजिकल इनकेपेसिटी मेंटल इनकेपैसिटी और डेथ और डेथ फिजिकल और मेंटल इनकैपैसिटी और डेथ तो ऐसे केस में कोई भी लीगल एयर legal heir or any such person who can file the complaint can come forward and file the complaint on behalf of woman who was aggrieved of sexual harassment who was aggrieved of sexual harassment तो सेक्शन वन से कहानी स्टार्ट होती है सेक्शन वन से जहां से कहानी स्टार्ट होती है ये एक्ट पूरे इट होल ऑफ इंडिया पूरे देश में लागू होता है उसके बाद हम डेफिनेशन देखते हैं कि टू ए में अग्रीव है जिसके साथ सेक्सुअल हेरेसमेंट होता है टू एन में टू एम में जो रिस्पॉन्डेंट है वो उस सेक्सुअल हेरेसमेंट को करता है फिर वो एग्रीव वुमेन एक कंप्लेंट फाइल करती है सेक्शन नाइन में उस सेक्शन नाइन में वो जो कंप्लेंट फाइल करती है वो दो जगह कर सकती है इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी इंटरनल कमेटी का गठन होता है सेक्शन फोर में वन प्लस टू प्लस वन इज इक्वल्स टू फोर वन प्रिसाइडिंग ऑफिसर टू फ्रॉम सोशल वर्क वन फ्रॉम दी एनजीओ फिर आते हैं हम सेक्शन सिक्स और सेवन में जहां लोकल कमेटी जुड़ती है जहां लोकल कमेटी जुड़ती है वहां हमारे पास क्या मैथमेटिक्स है वन प्लस वन प्लस टू प्लस वन प्लस वन दो वन इस तरफ दो वन इस तरफ बीच में टू वन मेंबर चेयरपर्सन वन ये सब महिलाएं होंगी क्योंकि ये महिलाओं के लिए act है। कुछ याद करना क्या है क्योंकि लोकल कमेटी है बड़े लेवल पर है तो दो मेंबर्स चाहिए एनजीओ से जिसमें से एक महिला होंगी वन मेंबर वन नॉमिनी फ्रॉम लॉ बैकग्राउंड वन नॉमिनी फ्रॉम एस सी एस टी ओबीसी और उस पर एक स्टार मार्क यह है कि जो भी उस तालुका ब्लॉक तहसील उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की जो भी सोशल वेलफेयर ऑफिसर होंगी वो उस कमेटी की एक्स मेंबर होंगी कमेटी तीन महीने के ये जो कंप्लेंट है तीन महीने के अंतर्गत ये फाइल होगी सेक्शन नाइन में इन थ्री मंथ फ्रॉम ऑफ इंसिडेंट कॉन्टीन्यूस है वहां पर थ्री मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट इंसिडेंट जो भी इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी में स्थान ग्रहण करेगा यानी कि पोजीशन होल्ड करेगा वो भी तीन, तीन साल के लिए करेगा थ्री फॉर द पीरियड ऑफ थ्री तो देखिए तीन 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 सब जगह है पोजीशन होल्ड करने की बात आ रही है तो थ्री इयर्स इंसिडेंट रिपोर्ट करने की बात आ रही है तो थ्री मंथ्स कॉन्टिन्यूस इवेंट्स में भी थ्री मंथ्स आगे देखते हैं जहां आपकी सेक्शन नाइन में कंप्लेंट फाइल हो गई फाइल हो गई चाहे इंटरनल में हो एक्सटर्नल यानी कि लोकल में हो अब उस कंप्लेंट पर सेक्शन नाइन के बाद सेक्शन इलेवन में इंक्वायरी होना एकदम अंडरस्टूड बात है कि सेक्शन इलेवन में इंक्वायरी होगी नहीं तो आप कैसे जानेंगे कि ऐसा कोई केस हुआ भी है या नहीं टू मेक इंक्वायरी इन टू द कंप्लेन एंड सी दैट वेदर द प्राइमा फेसी केस इवन एग्जिस्ट और नॉट केस इवन एग्जिस्ट और नॉट क्या केस बनता भी है या नहीं और अगर बनता है सेक्सुअल हेरेसमेंट का केस अगर ये केस बनता है उस कंप्लेंट में इंक्वायरी करने की बात द डेलिवरेट ड्यू इंक्वायरी देन विद इन द पीरियड ऑफ सेवन डेज सात दिन के अंदर अंदर पुलिस के पास वो कंप्लेंट फॉरवर्ड हो जाएगी टू रजिस्टर द केस अंडर सेक्शन 509 ऑफ आईपीसी सेक्शन 509 ऑफ आईपीसी भाई कमेटी ने देख लिया कि ये कंप्लेन बिल्कुल ठीक है जो फैक्ट्स एलिग्ड है वो बिल्कुल ठीक है जो भी महिला कह रही है वो बिल्कुल ठीक है तो ऐसी परिस्थिति में आप उस कंप्लेन को पुलिस को फॉरवर्ड कर देंगे सात दिन के अंदर अंदर ताकि उस विषय पर आगे कोई कार्रवाई की जा सके द फर्दर एक्शन कैन बी टेकन बाय द पुलिस सो विद इन दिन डेज द रिपोर्ट विल बी फॉरवर्डेड टू द पुलिस टू फाइल अ कंप्लेंट अंडर सेक्शन फाइव जीरो नाइन ऑफ आईपीसी अब इस इंक्वायरी को क्या हम जन्म जन्म तक कर सकते हैं नहीं जो भी यहां इंक्वायरी हो रही है जो भी इंक्वायरी यहां कमिटी कर रही है ये इंक्वायरी जो भी कमेटी कर रही है उस इंक्वायरी को करने का एक समय सीमा निर्धारित है वो समय है 90 डेज 90 डेज द इंक्वायरी शैल बी कंप्लीटेड बाई द कमेटी विद इन अ पीरियड ऑफ नाइंटी डेज कंप्लेंट आपको फाइल करनी थी विद इन थ्री मंथस इंक्वायरी आप कितने समय में करोगे नाइंटी डेज एक तरह से तीन महीने ही हो गए एक इकतीस का महीना हटा दो तो फिर से नाइन्टी डेज फिर से थ्री थ्री मंथ्स, नाइनटी डेज और फिर उसके बाद सेवन डेज के अंदर अंदर यहां थोड़ा मामला जल्दी करेंगे अब देर नहीं अब देर नहीं अब सात दिन के अंदर अंदर पुलिस को रिपोर्ट भेजेंगे कि भाई आगे की कार्यवाही जल्दी जल्दी शुरू करिए और इस केस को फाइल करिए क्योंकि सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस बन रहा है अब जो ये नब्बे दिन का समय लिया है ये जो नाइन्टी डेज का टाइम पीरियड आपने लिया है उस कमेटी ने लिया है उस दौरान क्या करेंगी इस 90, इस 90 डेज की ड्यूरेशन में वो कमेटी क्या क्या कर सकती है या क्या क्या, क्या करेगी इसके लिए हम आते हैं सेक्शन ट्वेल्व पर बिल्कुल क्रोनोलॉजी से चल रहे हैं हम सेक्शन नाइन में कंप्लेंट हुई सेक्शन इलेवन में इंक्वायरी हो रही है इंक्वायरी में अगर कोई एक्शन लिया जा रहा है तो वो सेक्शन ट्वेल्व में लिया जा रहा है तो सेक्शन ट्वेल्व में क्या एक्शन ले सकते हैं अगर कमेटी को ऐसा लगता है उस इंक्वायरी के दौरान कि यहां वुमेन का काम करना सेफ नहीं है या इस पर्टिकुलर यूनिट में काम करना सेफ नहीं है या फिर इनको कहीं ट्रांसफर किया जा सकता है सो दे कैन ट्रांसफर दी एग्रीव्ड वुमेन ट्रांसफर द एग्रीव्ड वुमेन टू एनी अदर वर्क प्लेस एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है जो भी उस समय उचित लगे ट्रांसफर द एग्रीव्ड वुमेन इन एनी अदर वर्क प्लेस अगर आप सरकारी दफ्तर में हैं, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में हैं, तब आपका डिपार्टमेंट बहुत इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है एक से दूसरे में ट्रांसफर द एग्रीव्ड वुमेन और ग्रांट लीव ग्रांट लीव अप टू थ्री मंथ्स देखिए ये थ्री आपका पीछा नहीं छोड़ेगा पूरे एक्ट में थ्री मंथ्स तक लीव दी जा सकती है तीन महीने में ही केस फाइल करेंगे नाइन्टी डेज में ही इंक्वायरी करेंगे वहां पर तीन साल तक पोजीशन होल्ड करेंगे यहां तीन महीने तक छुट्टी देंगे हर जगह तीन है थ्री मंथ्स या फिर अगर यह भी नहीं तो एनी अदर रिलीफ जो सही लगे एनी अदर रिलीफ जो उस समय कमेटी को उचित लगे और जो भी ये रिकमेंडेशन कमेटी देगी वो इंप्लॉयर को माननी होगी द एम्प्लॉयर शेल इंप्लीमेंट द रेकमेंडेशन नॉट मे शेल इम्प्लीमेंट दी रेकमेंडेशन मानना पड़ेगा शेल इंप्लीमेंट द रेकमेंडेशन क्योंकि क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि क्या कमिटी के कहने के बाद इंप्लॉयर की कोई डिस्क्रिप्शन हो सकती है बिल्कुल नहीं शेल रेकमेंड और शेल इंप्लीमेंट द रेकमेंडेशन मानना पड़ेगा जब आपकी इंक्वायरी हो जाती है तब आप अपनी रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर को सात दिन में भेजते हैं अगर मैं कहूं कि सेक्शन नाइन में कंप्लेंट फाइल हुई कंप्लेंट फाइल सेक्शन फोर के अकॉर्डिंग या सेक्शन सिक्स या सेवन के अकॉर्डिंग इंटरनल और लोकल कहीं भी हो सकती है Hmm? कितने समय में कंप्लेंट फाइल होगी थ्री मंथ्स इंक्वायरी कितने दिन में होगी नाइंटी डेज और रिपीटेड में भी थ्री मंथ्स है रिपीटेड में भी थ्री मंथ्स है कुछ अलग नहीं है जैसे ही इंक्वायरी पर उनको कोई साक्ष्य या कुछ भी नजर आता है तटस्थ कि हाँ, केस बनता है दे विल फॉरवर्ड दिस रिपोर्ट टू द पुलिस विद इन सेवन डेज रिपोर्ट टू द पुलिस विद इन सेवन डेज ताकि कंप्लेंट फाइल कर दी जाए अंडर सेक्शन 509 ऑफ आईपीसी कर दी फाइल बहुत अच्छी बात है अब इस इंक्वायरी के बाद आपने पुलिस को तो बता दिया लेकिन साथ ही साथ इस इंक्वायरी की रिपोर्ट साथ ही साथ इस इंक्वायरी की रिपोर्ट जो कमेटी है वो इंप्लॉयर को भी देगी या फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को अगर इंप्लॉयर नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर यानी कि उनको भी एक रिपोर्ट भेजी जाएगी इस इंक्वायरी की Within the period of 10 days, ताकि वो इस रिपोर्ट को पार्टीज को दे सके कि अब फाइनल निष्कर्ष क्या है हमारे हाथ में उस रिपोर्ट को पुलिस को तो भेजा ही जाएगा सात दिन के अंदर अंदर लेकिन साथ ही साथ इंप्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को भी भेजा जाएगा दस दिन के अंतरकाल में विद इन द पीरियड ऑफ टेन डेज अगर इस इंक्वायरी में जैसा कि मैंने कहा कि इंक्वायरी हमारी जो सेक्शन इलेवन में हो रही है ये जो सेक्शन इलेवन में इंक्वायरी हो रही है मैंने कहा इस इंक्वायरी में हो सकता है कि सेक्शन ट्वेल्व में कोई मिड रिलीफ मिल जाए आपको इस इंक्वायरी के दौरान ऐसा कुछ भी कमेटी कर सकती है जैसे कि ट्रांसफर लीव और एनी अदर रिलीफ एनी अदर रिलीफ जो उन्हें उचित लगती है तो अगर ऐसा कुछ भी करती है ट्रांसफर लीव और अदर रिलीफ टीएलओ अगर सेक्शन 12 में होता है और इसमें वो कोई भी सम या इंटरिम रिलीफ पे करने की बात करते हैं कि आपको इस समय ये इंटरिम रिलीफ सम वुमन को पे करना है या उनको जो भी वेजेस देनी है बिकॉज दैट विल बी पेड लीव जो भी वेजेस जो भी एक्स्ट्रा रिलीफ कुछ भी सम देना है इसके लिए इसके लिए जो भी कंसर्न इंप्लॉयर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो भी कंसर्न इंप्लॉयर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जिनको वो रिपोर्ट मिली है जिनको वो रिपोर्ट मिली है और कोई रिकमेंडेशन दिया गया है दस दिन में आपने उनको वो रिपोर्ट दी अब साथ ही साथ उसके साथ एक रेकमेंडेशन दिया कि आपको फॉलो फॉलोअप करना है ट्रांसफर करना है लीव देनी है लीव के साथ वेजेस देने हैं जो भी रिकमेंडेशन है वो रेकमेंडेशन उस एम्प्लॉयर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को 60 डेज के अंदर अंदर कंप्लाई करना है विद इन द पीरियड ऑफ 60 डेज ही हैज टू कंप्लाई विद दैट रिकमेंडेशन 60 डेज एम्प्लॉयर ऑर द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शेल एक्ट अपॉन द रिकमेंडेशन विद इन दिक्कस डेज ऑफ द रिसीप्ट बाई दे जैसे ही उनको वो रिसिप्ट मिलेगी वोट एक से दस दिन के अंदर अंदर वो रिपोर्ट मिल जाएगी विद इन सिक्सटी डेज दिल एक्ट अपॉन दैट रेकमेंडेशन विद इन द पीरियड ऑफ सिक्सटी डेज उनको उस रेकमेंडेशन पर काम करना होगा उससे लेट नहीं हो सकता विद इन द पीरियड ऑफ सिक्सटी डेज अब इसका जो सेक्शन सिक्सटीन है द एक्ट सेक्शन सिक्सटीन ऑफ द एक्ट थ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट द कंटेंट ऑफ द कंप्लेट जो भी सेक्शन नाइन में कंप्लेन के कंटेंट है आइडेंटिटी एड्रेस एनी इंफॉर्मेशन एनी फोटोग्राफ कुछ भी जो कंप्लेनेंट से संबंधित है जो भी कंप्लेनेंट पीड़ित से संबंधित है कोई एड्रेस कोई प्रूफ कोई आइडेंटिटी कुछ भी ऑफ दी अग्रीव वुमेन रिस्पोंडेंट एन विटनेस एनी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कंसिलियन प्रोसीडिंग रिकमेंडेशन एनी केस शैल नॉट बी पब्लिश कम्युनिकेटेड और मेड नोन टू दब्लिक प्रेस और मीडिया इसमें से कुछ भी पब्लिक मीडिया में रिवील नहीं हो सकता नथिंग तभी आप देखते हैं कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आप देखेंगे कि नाम लिखा होता है एक्स 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 ए बी सी उसमें नाम रिवील नहीं किया जाता है आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाती है तो सेक्शन 16 क्लियरली प्रोहिबिट्स क्लियरली प्रोहिबिट्स कि आपको ऐसा कोई भी कंटेंट पब्लिश नहीं करना है किसी भी मीडिया में किसी भी प्रेस में किसी भी अखबार में किसी रेडियो टेलीविजन कहीं नहीं करना है shall not be published communicated or circulated in any press or media. If any information may be disseminated regarding the justice of any victim of sexual harassment under this act without disclosing the name, address identity to lead to the identification of the aggrieved woman and witness. Agar Hame koibi information disseminate अगर हमें लगता है कि इस केस को बाहर आना चाहिए ताकि इस केस की गाइडलाइंस इस इस केस के facts, इस केस के फैक्ट्स, का डिसीजन लोग जान सके रिलेटेड तो कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन रिवील नहीं होगी ना ही तो नाम ना ही आइडेंटिटी उस आप जनरली सुनते भी होंगे अगर कोई रेप केस हुआ है कोई सेक्सुअल हरेसमेंट केस हुआ है तो वहां पर विक्टिम की आइडेंटिटी का नाम रियल नहीं लिया जाता उसको कोई नाम दे दिया जाता है जैसे निर्भया केस निर्भया केस वहां पर निर्भया नाम नहीं था उस केस को नाम दिया गया निर्भया दामिनी रेप केस नाम दिया गया कोई भी अगर ऐसा इंसिडेंट होता है विच इज रिलेटेड टू वुमेन एंड वेयर इट इज असेंशियल टू कीप द आइडेंटिटी ऑफ द वुमेन कंसील्ड यू कैन नॉट डिस्क्लोज द सेम तो उस सिनारियो में आप उसे पब्लिश नहीं कर सकते इट शेड नॉट बी पब्लिश एंड इट मे बी डेसेमिनेटेड इट मे बी डिसेमिनेटेड ओनली वेन ओनली वेन इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस that it is necessary for the people to know that what the judgment has been come out of the supreme court or the high court. but that too jab wo information, judgment, कुछ भी जो pass हुई है जिसे अबे disseminate करना है उसमें आप कोई भी personal information किसी भी party की especially the woman reveal नहीं करेंगे नाम, number, address, photo, कुछ नहीं इट मीन्स ओनली द जजमेंट द क्रक्स हैज टू कम आउट एंड नथिंग एल्स नथिंग एल्स क्लियर अगर इस एक्ट में अपील की बात की जाए सेक्शन सिक्सटीन टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन ऑन पब्लिकेशन प्रोहिबिशन ऑन पब्लिकेशन ओनली मे वेन इन इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस इन इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस अदरवाइज शेल नॉट अदरवाइज शेल नॉट अगर आपको इस एक्ट में कहीं भी ये महसूस हो कि आप एग्रीव हो आपके साथ गलत हुआ आपके अगेंस्ट फेक केस फाइल हुआ या फिर आप किसी भी बात को लेकर हायर कोर्ट में या किसी भी हाई अथॉरिटी के पास जाना चाहते हैं क्योंकि अपील का राइट है आपके पास अपील इज अ स्टैट्यूटरी राइट तो आपको जब भी लगता है कि आप किसी भी डिसीजन ऑर्डर अवार्ड किसी से भी पीड़ित है एग्रीव है सफरर है तो आप अपील फाइल कर सकते हैं यू कैन फाइल एन अपील टू द कोर्ट और ट्रिब्यूनल टू द कोर्ट और ट्रिब्यूनल टू द कोर्ट और ट्रिब्यूनल विद इन द पीरियड ऑफ नाइन्टी डेज 90 डेज ऑफ द रिकमेंडेशन यानी कि जिस दिन वो रिकमेंडेशन कमेटी ने दिया था मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूं ताकि वो फैक्ट्स आपके दिमाग में आ जाए जिस दिन कमेटी ने वो रिकमेंडेशन दिया था जिसकी रिपोर्ट सात दिन के अंदर पुलिस को जा रही थी और दस दिन के अंदर इंप्लॉयर को जा रही थी उसी तिथि से फ्रॉम द डेट ऑफ रिकमेंडेशन अगर आपको लगता है कि ये ऑर्डर सही पास नहीं हुआ और आपको कुछ कहना है तो आप बिल्कुल कह सकते हैं एक अपील फाइल करके टू एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल कंसर्न जिसकी जो रिस्ड्रिक्शन है विद इन द पीरियड ऑफ नाइन्टी डेज नब्बे दिन के अंदर अंदर विद इन द पीरियड ऑफ नाइन्टी डेज सेक्शन ट्वेंटी फोर ऑफ द एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ट्वेंटी फोर ऑफ द एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्वेंटी फोर 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 मीन्स पब्लिक फोरम फोर मींस पब्लिक फोरम फोर फोरम फोर फोरम में हम क्या करेंगे उस एक्ट को पब्लिसाइज करेंगे यानी कि जितना संभव हो जितना संभव हो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऐसे मेजर्स लेगी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है इधर स्टेट और सेंट्रल वो ऐसे संभव प्रयास करेंगे दे विल टेक एप्रोप्रिएट मेजर्स टू पब्लिसाइज दिस एक्ट एज मच एज पॉसिबल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एजुकेशन कम्युनिकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो भी संभव हो वो किए जाएंगे ताकि इस एक्ट के प्रोविजंस को ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचाया जा सके ताकि मैक्सिमम पीपल कैन बी अवेयर ऑफ व्हाट इज रिटन इन दिस एक्ट बिकॉज एवरीवन शुड नो वॉट कैन बी दिड्रेसल मशीनरी और वॉट कैन बी दी रिड्रेसल वे इफ समथिंग लाइक दिस है आप खुद भी बता सकते हैं किसी को पेपर के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही वो डेट्स आपने याद कर ली वो मंथस आपने याद कर लिया लेकिन अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो आप उनको सही गाइड दे सकते हैं सही गाइडेंस दे सकते हैं कि आप कहां रिपोर्ट फाइल कर सकते हैं कहां जा सकते हैं क्या क्या आपके अधिकार हैं और अगर कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है मैंने कहा 24 से पब्लिक फोरम में हम पब्लिसाइज करेंगे लेकिन अगर इन सब के बावजूद इंटरनल कमेटी लोकल कमेटी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कोई कुछ नहीं कर रहा आपके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा तो एक जरूर करेगा आर्टिकल थर्टी टू यह आपको मना भी नहीं कर पाएगा और आपकी सहायता भी करेगा क्योंकि यह मना कर ही नहीं सकता क्योंकि यह आपका फंडामेंटल राइट right है अगर किसी को ये कंफ्यूजन हो कि 32 में तो सिर्फ पांच रिट्स ही इशू होती हैं तो ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए क्योंकि उन रिट्स का तो सिर्फ नाम लिखा हुआ है बट एनी रिट ऑर्डर डायरेक्शन कैन बी इश्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस वेयर द कोर्ट फील्स दैट द फंडामेंटल राइट ऑफ अ पर्सन इज वायोलेटेड एंड एज आई स्टार्ट माई लेक्चर फ्रॉम दिस ट्राइंगल विच इज फोर्टीन नाइनटीन जी एंड ट्वेंटी वन तो यहां तो तीनों ही फंडामेंटल राइट इन्वॉल्व है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं थर्टी टू में आर्टिकल फोर्टीन नाइनटीन वन जी एंड ट्वेंटी वन एंड एज वेल एज I said that there is a recognition from the socialist principle of directive principle of state policy, where they have clearly written that every person has the right to work, right to work in just and human conditions of work. Article 41, 42, 43, row wise. सोशलिस्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि आपके पास काम करने का अधिकार है और काम करने का जहां अधिकार है वहां ह्यूमन कंडीशन तो होनी ही होंगी स्वतंत्रता है कि आप किसी भी प्रकार का काम कर सकते हैं एनी ट्रेड ऑक्यूपेशन प्रोफेशन और 21 कहता है ये आपकी चॉइस है आपकी लाइफ है आपका निर्णय है आपका डिसीजन है तो बताइए कौन सा राइट right वॉलेट हुआ And we 32 go in Q32. Mein ja sakte. So there is the redressal machinery in a very integrated manner. But you will go step by step, step by step, if you will not be heard by the concerned committee or officer. Then lastly, but not the least, Section 26, penalty for non-compliance. Penalty for non-compliance. पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस अगर आपने नहीं माना इस एक्ट में जो जो कहा जा रहा है जिस जिस जगह जो जो कहा जा रहा है जो रेकमेंडेशन दी जा रही हैं, जो डायरेक्शन दिए जा रहे हैं जो ऑर्डर पास हो रहे हैं अगर आप उन को नॉन कंप्लाई कर रहे हो आप इंटरनल कमिटी फॉर्मुलेट नहीं कर रहे आप रिकमेंडेशंस को नहीं मान रहे जो एक्शंस लिए जा रहे हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे अगर आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे सो एम्प्लॉयर विल बी पनिशेबल ही शैल बी पनिशेबल विद द फाइन ऑफ फिफ्टी थाउजेंड रूपीज द एम्प्लॉयर शैल बी फाइंड विद फिफ्टी थाउजेंड रूपीज अगर रिपीटेड ऑफेंस है बाय द इंप्लॉयर रिपीटेड ऑफेंस बाय द इंप्लॉयर यानी कि एक बार पहले ही कन्विक्ट हो चुका है फिर किए गलती रिपीटेड देन ही शैल बी लाइबल टू ट्वाइस द पनिशमेंट ट्वाइस द पनिशमेंट इंपोज इन First place, twice the punishment imposed in first place. Generally आपने सुना होगा कि जहाँ accused का benefit होता है जहां एक्यूज को कम पनिशमेंट मिलती है कोर्ट वहां इंटरप्रेट करके कम दे देती है क्योंकि एक्यूज़ को भी फेवर मिलना चाहिए अगर लॉ खुद फेवर देना चाहता है तो क्योंकि एक्यूज के भी राइट्स हैं, लेकिन यहां ऐसा नहीं है यहां ऐसा नहीं है यहां लिखा है प्रोवाइडेड दैट प्रोवाइडेड दैट इफ हायर पनिशमेंट इज अवेलेबल

कौन सा ज्यादा वाला कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ द सेम जबकि एक्यूज को बेनिफिट दिया जाता है आमतौर पर लेकिन यहां नहीं दिया जाएगा यह रॉन्ग डूअर को नहीं दिया जा रहा है क्योंकि यहां पर स्ट्रिक्ट इंप्लीगेशन ऑफ द लॉ हैज बीन डन दैट हायर पनिशमेंट कॉग्निजेंस विल बी टेकन बाय द कोर्ट अब जो कॉग्निजेंस ले रहे हैं cognizance cognizance the court shall take cognizance on the report of internal committee or the local committee it means on complaint made by ऑन कंप्लेन्ट मेड बाय इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी और दुमन और दनी पर्सन कोई भी कर सकता है वुमेन एनी पर्सन इंटरनल कमेटी लोकल कमेटी जो भी कोर्ट को यह रिपोर्ट फॉरवर्ड कर रही है या रिपोर्ट दे रही है Judicial magistrate first class or the metropolitan magistrate that is MM will take cognizance of the same. JM first or MM. Judicial magistrate first class or the metropolitan magistrate is or having the authority to try the case under this act the original jurisdiction or is act me, her case every case is non cognizable non cognizable every offense under this act is non-cognizable. the difference between cognizable and non-cognizable. incognizable, it is arrest without warrant. but in non-cognizable, you need a warrant issued by the magistrate. तो ध्यान रखिए कि सेक्शन 27 सेवन जहां कॉग्निजेंस की बात की जा रही है वहां कंप्लेंट करता कंप्लेंट फाइलिंग पर्सन कैन बी एनी वुमेन एनी पर्सन लोकल कमेटी इंटरनल कमेटी कॉग्निजेंस लेगा कौन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और इस एक्ट में होने वाला हर ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है ग्निजेबल अगर अच्छा एक बात और ध्यान रखनी है एक बात और ध्यान रखनी है कि इस एक्ट में हमने जितनी बातें पढ़ी है इस एक्ट में हमने जितनी बातें पढ़ी है दैट हैज कम फ्रॉम विशाखा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान जिसमें ये सारी गाइडलाइंस आई थी जो आज हमारे पास एक्ट के रूप में है विच इज देयर बिफोर अस इन दम ऑफ एक्ट नाउ वी हैव Three recent case laws Center for Constitutional Rights, Center for Constitutional Rights versus State of Kerala, Center for Constitutional Rights versus State of Kerala and others. Three six zero five nine of two thousand eighteen. Three six zero five nine of two thousand eighteen. In this case, it was held that political parties, political parties are. Not liable are not liable to establish are not liable to establish internal complaints committee are not liable to establish internal complaints committee internal complaints committee इंटरनल कंप्लेन्ट कमिटी पॉलिटिकल पार्टीज किसी भी रूप से लाइबल नहीं है कि आप पॉलिटिकल पार्टीज को इन्फ्लुएंस करेंगी वो ऐसा काम करेंगी तो ऐसा नहीं होगा इट इज ओनली एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल एंड नॉट एनी पार्टी तो आप किसी पार्टी के अगेंस्ट यह केस फाइल नहीं कर सकते दैट दे हैव नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड एनी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी दे आर नॉट लीगली लाइबल टू एस्टैब्लिश एनी इंटरनल इंस्टीट्यूशन पार्टी तो वहां पर कोर्ट ने मना कर दिया दैट दे आर नॉट लीगली लाइबल टू एस्टैब्लिश एनी इंटरनल कंप्लेंट कमिटी एज पर दिस एक्ट दे आर नॉट लाइबल ये कोर्ट ने कहा Second, Women in Cinema, Women in Cinema Collective and Another, Women in Cinema Collective and Another versus State of Kerala versus State of Kerala. वर्सेस स्टेट ऑफ केरला पॉलिटिकल पार्टीज लाइबल नहीं है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाने के लिए लेकिन यंग कहा फिल्म प्रोडक्शन यूनिट्स फिल्म प्रोडक्शन यूनिट्स have the responsibility have the responsibility have the responsibility to form icc internal complaint committee film production units have this responsibility to the constitute icc that is internal complaint committee Political parties are not liable, but the film production units have the responsibility. Victims' right to express. Victims' right to express. Victims' right to express. Victim's right to express. Yaniki jo bhi sexual harassment ka victim hai. It means any woman has the right to express its trauma, the suffering, the experience which she has gone through. The right to express. It was held in whoop scoop. Warp scoop. मीडिया प्राइवेट लिमिटेड वूब स्कूप मीडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस समदीश भाटिया वूब स्कूप प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस समदीश भाटिया twenty twenty two The court said that expression of victim expression of victim expressing what happened with the victim expression of victim expressing what happened with the victim cannot be curtailed cannot be curtailed cannot be curtailed behind the behind the curtains like behind the curtains like deformation Contempt of court, contempt of court, offense of decency, offense against decency, opposed to public morality, opposed to public morality, and so on. सिर्फ इस कारणवश की महिला के शब्द द एक्सप्रेशन ऑफ वुमेन विल कॉज द लेबल और सिलेंडर दैट इज डिफोमेशन टू द अदर पार्टी इट विल कॉज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और इट मे अमाउंट टू और इट विल अपोज टू अ पब्लिक पॉलिसी और मोरालिटी एक वुमेन का एक्सप्रेशन कर्टेल नहीं किया जाएगा वेन शी इज मेंट टू एक्सप्रेस वॉट एग्जैक्टली हैपन विद हर Then it becomes the responsibility of the court to ensure the same that her expression, the right to expression of the victim, is not defeated. It is not defeated. So, these were some case laws which in the recent time have come in the role apart from Vishakha versus State of Rajasthan. So, as we have seen. that section number 1 which talks about the act then section number 2 definition 2a se leke 2n tak 2n se leke 2m tak फिर एक case file होता है section नाइन में section नाइन में आपकी complaint file होती है कंप्लेंट आपकी इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी दोनों में से कहीं भी हो सकती है वो इंटरनल कमिटी आपकी गठित होती है सेक्शन फोर में वन प्लस टू प्लस वन आपकी कंप्लेंट किसी लोकल कमेटी में हो सकती है सेक्शन सिक्स एंड सेवन वन प्लस वन प्लस टू प्लस वन प्लस वन जहां पर इंटरनल कमिटी में जहां पर इंटरनल कमिटी में टू मेंबर्स आर फ्रॉम सोशल वर्क सोशल फील्ड वेर एज इन लोकल कमेटी टू मेंबर्स आर फ्रॉम द एनजीओ बाकी सब एक 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 उनका समय होगा तीन साल थ्री इयर्स दे विल होल्ड द ऑफिस जितने समय में आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो वो है तीन महीने का समय विद इन थ्री मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इंसिडेंट एंड इफ इट इज रिपीटेड ऑफेंस देन थ्री मंथस फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट इंसिडेंट जब भी आप केस फाइल कर दिए हैं सेक्शन नाइन के अंदर इफ द केस हैज बीन फाइल अंडर सेक्शन नाइन इंक्वायरी विल बी मेड अंडर सेक्शन इलेवन विद इन अ पीरियड ऑफ नाइनटी डेज 90 डेज के अंदर अंदर आपकी इंक्वायरी कंप्लीट होगी उस इंक्वायरी के दौरान ऐसा हो सकता है कि आप कुछ कहो कि इंटरिम रिलीफ के रूप में उस वोमेन को कुछ देना चाहिए तो आप आ जाओगे सेक्शन 12 में जहां आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो लीव दे सकते हो या अदर रिलीफ दे सकते हो टीएलओ ट्वेल्व टीएलओ ट्वेल्व के अंदर है टीएलओ ये तीन चीजें जहां भी ऐसा करोगे उस रेकमेंडेशन पर 60 दिन के अंदर अंदर वो रेकमेंडेशन फॉलो हो जाना चाहिए बाय द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और जब आप उस इंक्वायरी को 90 डेज के अंदर कंप्लीट कर लोगे विद इन सेवन डेज वो रिपोर्ट पुलिस के पास जाएगी और 10 दिन के अंदर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर या इंप्लॉयर के पास जाएगी जिसका रिकमेंडेशन उनको 60 दिन के अंदर अंदर फॉलो करना है साठ दिन के अंदर अंदर फॉलो करना है उसके बाद मैंने कहा सेक्शन ट्वेंटी फोर फोर फॉर पब्लिक फोरम फोर फॉर फोरम यानी कि पब्लिक फोरम पर इस एक्ट को पब्लिसाइज किया जाएगा बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उस एक्ट को पब्लिसाइज करेगी पूरा प्रयास करेगी कि इस एक्ट के प्रोविजंस के बारे में सब लोगों को पता चल सके ट्वेंटी सिक्स फॉर पेनल्टी सिक्स Six से सिक्सर का पनिशमेंट आपको मिल जाएगा जो ये कहेगा कि अगर आपने नहीं माना कुछ तो पचास हजार का फाइन लेकिन अगर रिपीटेडली आप कोई अपराध कर रहे हैं ऑफ फर्स्ट पनिशमेंट। लेकिन जहां कहीं हायर पनिशमेंट अवेलेबल है किसी लॉ में तो कोर्ट पीछे नहीं हटेगी उसी का कॉग्निजेंस लेगी देन 27 में कॉग्निजेंस की बात करता है जो कहता है कि कॉग्निजेंस इस ऑफेंस का जो सेक्सुअल हेरासमेंट का ऑफेंस है वुमेन एनी अदर पर्सन इंटरनल कमेटी लोकल कमेटी द्वारा लिया जाएगा और कौन लेगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या फिर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एंड एवरी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट शैल बी नॉन कॉग्नेसेबल और ये एक्ट किसी भी अदर लॉ को डेरोगेट नहीं करता ये कहता है कि मैं बहुत फ्रेंडली एक्ट हूं मैं सब एक्ट की सहायता उनके कॉपरेशन के साथ चलूंगा पैरेलली चलूंगा किसी को भी इंफ्लेंज नहीं करूंगा किसी को भी सप्रेस नहीं करूंगा इसी के साथ आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक्ट कंप्लीट हो जाता है थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सुन